या वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप एक अच्छी फोटो एडिटिंग करके किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको यही बताया, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन मतलब इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसके लिए आपको फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए केवल 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों मुझे 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले स्नैपसीड ओपन कर लेता हूँ। स्नैपसीड ओके दोस्तों, तो ये बताएंगे हमने स्नैपसीड को ओपन करने के बाद में, एंड यहाँ पे अपना जो फ़ोटो है वो हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप टूल सेलेक्शन में जाएंगे। टूल सेलेक्शन जाने के बाद सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद में यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में इसको हम थोड़ा गोरा कर देंगे क्या इस, ये देखिए ओके ऐसा कर देंगे। एंड इसको हम ब्राइटनेस थोड़ा हाई कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हाई करने के बाद में थोड़ा सेलेक्टेड टूल पे जाना है। टूल पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको माथे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस इस तरीके से उसकी ब्राइटनेस थोड़ी और हाई कर देनी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। करने के बाद में थोड़ा हाथों पर भी कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा ही दोस्तों मैंने हाथों पर भी कर लिया। ओके, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। इसको बढ़ाने के बाद में टूल्स पे जाने के बाद फिर मैं यहाँ करूँगा ओके, ये देखिए दोस्तों ओके, ये कर दिया हमने। इसको करने के बाद में इस फोटो को हम सेव कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करते ही एक मेरे दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद में सबसे पहले जो एप्लीकेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो है लाइट रूम। तो ऐसे हम लाइट रूम में क्लिक करेंगे। लाइट रूम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको वो फ़ोटो ऐड करनी है। वो फ़ोटो ऐड करने के बाद में ऐसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ओके गाइस, मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से इसे ऐड कर लिया मैंने, एंड यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो फ़ोटो ऐड हो गई है। इस तरीके से दोस्तों देखिए, फ़ोटो ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद में आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है थोड़ा डिटेल में। डिटेल में जाने के बाद यहाँ थोड़ा शार्पिंग थोड़ा हाई कर देंगे, एंड यहाँ डिटेल को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, रेडियस को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ओके गाइज, और मास्किंग पे यहाँ पे आप अपना हाफ कर दीजिए, और नोज़ रिडक्शन पे आप 50 से 60% या 70% कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जिससे कि इसमें नॉइज़ बहुत अच्छी आएगी। ओके, और यहाँ कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को उतना ही उतने के हिसाब से बढ़ाना है। ओके गाइज, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाने के बाद में स्मूथ को थोड़ा और बढ़ा देना है। स्मूथ हो जाएगा आपका फ़ोटो। ठीक है, डिटेल को थोड़ा बढ़ा के ओके गाइस। एंड यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा होगा ये वाला आइकन, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मिक्स में जाना है। मिक्स में जाने के बाद में यहाँ जो ग्रीन कलर है उसको चूज़ करना है, एंड उसको पीले कलर में चेंज करके बना देना। ओके गाइस, तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे पीला कर दे रहा हूँ। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्लैक बना सकते हैं बैकग्राउंड। ओके गाइस, तो इसको हम पीला कर देंगे। पीला करने के बाद में यहाँ ल्यूमिनियस बढ़ा देना। हम थोड़ा इसको ल्यूमिनियस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पीले पे क्लिक करना है। पीले पे क्लिक करने के बाद में इसे ह्यू को बढ़ा देना है। ह्यू को बढ़ाने के बाद में इसमें सैचुरेशन बढ़ा देना है। ओके गाइस, इस तरीके से हमको बढ़ा देना है। एंड यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना है, और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत कलर और डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, शर्ट का कलर ओके, ये देखिए शर्ट का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ओके, इसको ब्राइटनेस आप दे सकते हैं, इसको हाई ब्राइटनेस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ओके, इस तरीके से हमने कर लेना है। करने के बाद में डन कर देना है। डन के बाद फिलहाल कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, उसके बगल वाले पे, एंड यहाँ पे आपको क्लियरिटी जो होगी वो थोड़ा हाई कर देनी है। यहाँ पे जो क्लियरिटी होगी वो थोड़ा अच्छी आ जाएगी। क्लियरिटी आने के बाद में अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भद्दी हो जाएगी, लेकिन वीडियो जो फ़ोटो होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। एंड डेज पे जाना है, थोड़ा यहाँ आगे बढ़ा देना है। डेज पे आगे जाने के बाद में यहाँ बिगनेट जो है उसको थोड़ा इधर कर देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको जो फीदर दिख रहा होगा थोड़ा फीदर को बढ़ा देंगे।
और मिड पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से हम ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। और राउंडनेस जो है वो इसको हम इतना कर देंगे। करने के बाद में आपको सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, अब आपकी फ़ोटो जो होगी वो इस तरीके की दिखेगी, ओके गाइस। और आपको फिर आपको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो एप्लीकेशन है, सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव टू डिवाइस। तो ये सेव हो रही है। सेव होने के बाद में मैं थोड़ा इसको प्रोफाइल में जाता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद में इसको हम आर्टिस्ट 3, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसमें थोड़ा कलर भी बढ़ा देंगे, थोड़ा हाई कर देंगे, ओके गाइस। तो इस तरीके से हमने कलर थोड़ा हाई कर लिया। हाई करने के बाद में इसको हम सेलेक्ट करके इसको एक बार फिर सेव कर देंगे, ओके। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे अब जो मुझे लास्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो है B612, ठीक है दोस्तों। जो कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसी से ही मैं ज़्यादातर अच्छी फ़ोटो खींचता हूँ, ओके गाइस। तो इसमें जो आप देखेंगे वो फ़ोटोज़ आ जाएगी। नया फ़ोटो पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको जो जाना है सबसे बाद में वो है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मोड पे जाने के बाद में ये हो गया सेलेक्ट पूरा का पूरा फ़ोटोज़, ओके गाइस। इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। इसको थोड़ा हम डेनिस कम कर देंगे। कम करने के बाद में इसे सेलेक्ट कर देंगे एंड मेकअप पे क्लिक कर लेंगे। मेकअप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ थोड़ा लिप्स बढ़ा देंगे, ओके गाइस। लिप्स बढ़ाने के बाद में कंटेनर्स ब्लर्स एंड कंटेनर्स इसको बढ़ा देंगे, इसको हाइड कर देंगे, ओके गाइस। इस तरीके से एंड यहाँ आइस जो आइस हैं उसको थोड़ा हम हाइड कर देंगे। एब्रूप्स भी थोड़ा यहाँ बढ़ा देंगे। आई शैडो इसको नहीं बढ़ाना है, आईलाइनर इसको भी नहीं बढ़ाना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ब्यूटी पे जाना है। ब्यूटी पे जाने के बाद जो स्किन है उस पर ऐसे कर लेना है। जो हाई स्किन है उसको आप यहाँ से बीच में रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सिलेम दिख रहा होगा और काफ़ी अच्छे ब्राइटन दिख रहा होगा। ब्राइटन पर करेंगे तो ये वाइट हो जाएगी, ओके। तो हमको इतना करना है, केवल इतना रख दे रहे हैं, ओके गाइस। इतना करके हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यह है लिक्विफाई, इससे हम नहीं, इससे कोई काम नहीं है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल्टर। फिल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद क्लिक करोगे तो इस तरीके का होगा। पिंकी करोगे तो इस टाइप का होगा। डेली करोगे तो इस टाइप का होगा। हार्ड करोगे तो इस टाइप का होगा। आप किसी भी प्रकार का कर सकते हो। तो हमको करना है जो है क्लीन। क्लीन पर करने के बाद इसको हमको थोड़ा कम कर देना है। कम करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एडजस्ट आएगा। एडजस्ट पर जाके आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है, ठीक है गाइस। उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता था मैं। एंड यहाँ पे बिगनेट पे जाना है। बिगनेट पे जाने के बाद में इसको थोड़ा बढ़ा देना है और इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको एडजस्ट में जाना है और इसको बिगनेट पे जाके फिर एक बार इसको बढ़ा देना है, ओके गाइस। और ये हो गया, हो गया। तो अब हम ये फ़ोटो हो गई इस टाइप की और इसको हम सेव कर देंगे। सेव कर लिया मैंने, ओके गाइस। तो अब चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।